हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में टन ऑफ रेफ्रिजरेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। टन ऑफ रेफ्रिजरेशन से पहले हम रेफ्रिजरेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रेफ्रिजरेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम हीट को रिमूव करते हैं किसी सब्सटेंस से और उसको ठंडा कर देते हैं, उसको रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। रेफ्रिजरेशन को मेजर किया जाता है TR में। TR की फुल फॉर्म है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। अभी बात करते हैं हम टन ऑफ रेफ्रिजरेशन के बारे में। एक टन आइस 24 घंटे में मेल्ट होके जितना कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है उसको 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। पहले जमाने में जब मशीन नहीं थी तब कूलिंग इफेक्ट यानी कि रेफ्रिजरेशन बर्फ से प्रोड्यूस किया जाता था। वीडियो के एंड में मैं आपको 1 टन एसी और 1.5 टन एसी का कूलिंग कैपेसिटी पर आवर बताऊंगा कि वो 1 घंटे में कितनी हीट को अब्सॉर्ब करते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। FES सिस्टम के अकॉर्डिंग 1 टन बराबर होता है 2000 पाउंड के बाय वेट, और लेटेंट हीट ऑफ आइस होती है 144 BTU पर पाउंड, यानी कि 1 पाउंड बर्फ मेल्ट होके 144 BTU हीट को अब्सॉर्ब करती है। और अगर हम 2000 पाउंड बर्फ का निकालेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 144 के साथ, तो वैल्यू आएगी 288,000 BTU पर डे, यानी कि 2000 पाउंड बर्फ एक दिन में मेल्ट होके 288,000 BTU हीट को अब्सॉर्ब करेगी। और अगर हम इसको घंटों में निकालेंगे तो 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे 144 के साथ और डिवाइड करेंगे 24 के साथ, तो कैलकुलेट करके वैल्यू आएगी 12,000 BTU पर आवर, यानी कि 2000 पाउंड बर्फ एक घंटे में मेल्ट होके 12,000 BTU हीट को अब्सॉर्ब करती है। अगर हम इसको MKS सिस्टम में देखेंगे तो 1 टन बराबर होता है 900 किलोग्राम के बाय वेट, और लेटेंट हीट ऑफ आइस होती है 80 किलो कैलोरी पर केजी, यानी कि 1 केजी बर्फ 80 किलो कैलोरी हीट अब्सॉर्ब करती है। तो अगर हम 900 किलो का निकालेंगे तो 900 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 के साथ और कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी 72,000 किलो कैलोरी पर डे, यानी कि 900 किलो बर्फ एक दिन में मेल्ट होके 72,000 किलो कैलोरी हीट को अब्सॉर्ब करती है। और अगर हम इसको घंटों में निकालेंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे 24 के साथ और जो कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आएगी वो आएगी 3000 किलो कैलोरी पर आवर, यानी कि 900 किलो बर्फ एक घंटे में मेल्ट होके 3000 किलो कैलोरी हीट को अब्सॉर्ब करती है। अभी बात करते हैं हम एयर कंडीशनर के बारे में। 1 टन का एसी 1 घंटे में 12,000 BTU हीट को अब्सॉर्ब करता है, और 1.5 टन का एसी 1 घंटे में 18,000 BTU हीट को अब्सॉर्ब करता है। तो ये थी टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की डेफिनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।